नमस्कार एंड हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दाल बाटी फ्राई, यानी कि बाटी फ्राई रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बाटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल लेना है, जिसके अंदर की हमें डालना है गेहूँ का आटा। तो हमें यहाँ पर 2 कप जितना गेहूँ का आटा लेना है। तो ये नॉर्मल वाला आटा है जो कि हम डेली यूज़ करते हैं रोटियाँ बनाने के लिए। तो अभी हमें इसके अंदर ऐड करनी है 1/2 कप जितनी सूजी। तो ये गेहूं का आटा एकदम बारीक है, इसलिए हमें इसके अंदर सूजी ऐड करनी है। अगर आपके पास मोटा पिसा हुआ आटा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हमें इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून जितना नमक लिया है। नमक डालने के बाद में अभी हम इसके अंदर डालेंगे जीरा। तो 1 टीस्पून जितना ही जीरा हमें इसके अंदर ऐड करना है। आप इसी के साथ में यहाँ पे अजवाइन भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने अजवाइन को स्किप किया है। अभी हमें डालनी है इसके अंदर हल्दी। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी ली है। हल्दी डालने के बाद में अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अभी हमें इसके अंदर घी ऐड करना है। तो बाटी के अंदर घी ही डलता है, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमें यहाँ पे 5 से 6 चम्मच जितना घी इसके अंदर ऐड करना है। तो ये बड़ा वाला चम्मच है, जिससे कि हम इसके अंदर 5 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। तो अभी हमने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है और अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में इसको चम्मच से हल्के हाथ से मिक्स करके ले लिया है और अभी हम अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे। तो हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से रब करते जाना है, ताकि घी अच्छी तरह से सारे आटे में लग जाए। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे ही रब करने के बाद में अभी आप लोग देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और जब हम इसको हल्का सा प्रेस कर रहे हैं तो इसकी एक मुट्ठी भी बन रही है। तो हमें कुछ इसी तरह से ये आटा चाहिए। अगर आपको इसके अंदर घी कम लगे तो आप इसके अंदर और थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी डाला है इसके अंदर बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून जितना, ताकि जो हमारी बाटी है वो एकदम से खस्ता और क्रिस्पी बने, एकदम समोसे और कचौरी की तरह। तो अभी मैंने बेकिंग सोडा को अच्छी तरह से मिक्स करके ले लिया है। तो अभी हमें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका एकदम एक टाइट सा आटा लगा कर लेना है। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी कर ऐड कीजिए और उसको मिक्स करते जाइए। तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह से गूंद कर ले लिया है। तो अभी हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको फिर से हल्का सा गूंदेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ कर लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मल रोटी बनाने के लिए तोड़ते हैं उसी तरह से। तो हमें इसे पूरी तरह से गोल नहीं करना है, हमें बस इसको हल्का सा गोल कर लेना है। हमें इसके अंदर दरारें रखनी है, उसी की वजह से जो हमारी बाटी है वो बहुत अच्छे से फूलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमें इसी तरह से जो बाकी की सारी बाटियाँ हैं वो भी बनाकर रेडी कर लेनी है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई के अंदर पानी रखा है, तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी होगा। तो अभी हमें इसके अंदर कोई ऐसा एक स्टैंड रख देना है, जिसके ऊपर कि हमें ऐसी कोई जाली रखनी है। अगर आपके पास ऐसी जाली ना हो तो आप यहाँ पे किसी भी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और याद रखिए, जो पानी है वो प्लेट को या फिर ऐसी जाली को टच नहीं होना चाहिए। अभी हम इसके ऊपर जो हमने बाटी बना कर रखी थी वो रख देंगे। तो मैं एक ही साथ में सारी बाटियाँ रख रही हूँ। आपके पास अगर ऐसी कोई जाली ना हो तो आप यहाँ पर इडली कुकर के अंदर भी इसको पका कर ले सकते हो। जैसे हम लोग इडली को पकाते हैं, सेम हमें उसी तरह से इसको कुक कर लेना है। तो अभी मैंने इसको ढककर रख दिया है और अभी हमें इसको ढककर ही पकाना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारी बाटी अच्छी तरह से नहीं फूल जाती। और तकरीबन 10 मिनट बाद अभी आप लोग देख सकते हो हमारी बाटी अच्छी तरह से फूली लग रही है। तो अभी हम इसका ढक्कन निकालेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारी बाटी की साइज़ डबल हो चुकी है और इसको अच्छा सा कलर भी आया है। तो अभी हम एक चाकू से इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी ये बाटी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो अभी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करना है और इसको किसी प्लेट के अंदर निकाल कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच लिया है, जिसकी सहायता से हम इसको निकाल कर लेंगे। तो अभी हमने सारी बाटियों को निकाल कर ले लिया है, पर अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो अभी हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद अभी ये हाथ लगाने लायक ठंडी हो चुकी है। तो अभी हमें इसको कट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक चाकू लिया है, जिससे कि हम इसको कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी जाली आई है। तो आप इसे कोई भी शेप में कट कर ले सकते हो, या फिर आप इस बाटी को ऐसे भी खा सकते हो। ये ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
तो अभी हमने सारी बाटियों को कट कर ले लिया है और अभी हमें इसको फ्राई करना है। तो गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा है गर्म होने के लिए। तो अभी हम इसके अंदर एक बाटी डालकर चेक करेंगे कि ऑयल का टेम्परेचर ठीक है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो बाटी के बाजू में हल्के हल्के बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर जो बाकी की सारी बाटियाँ हैं वो भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारी बाटियाँ इसके अंदर डाल दी है और गैस की फ्लेम को मैंने लो पर ही रखा है। लो फ्लेम पर ही हमें इसको चलाते हुए फ्राई कर लेना है। लो फ्लेम पर इसे फ्राई करने से जो बाटी है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और वो अंदर तक पकती है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो बाटी के ऊपर हल्के हल्के क्रैक्स आने लगे हैं, इसका मतलब हमारी बाटी परफेक्ट बनी है। तो इसको भी मुझे फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आप लोग देख सकते हो इसका हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगा है। तो अभी ये बाटी फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसको निकाल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस बाटी को दाल के साथ में, दही के साथ में या फिर किसी भी चटनी के साथ में खा सकते हो। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो बाजू में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।